हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जो कि है मैप्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैप को स्टडी करना, अगर हमें स्टडी करना है तो उससे पहले हमें ग्लोब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ग्लोब होता क्या है? इट इज स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ, ओके, ऑफ सम अदर सेलेस्टियल बॉडी और सेलेस्टियल स्फेयर। किसी भी टाइप का स्फेरिकल मॉडल, अर्थ की बात कर ले या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोब। इट इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट अवर कंट्री, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेजेस, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प। ठीक है, जब हम वर्ल्ड को एज अ अर्थ को एज अ होल पढ़ना है तो ये बहुत यूजफुल है, लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक कंट्री या स्टेट के बारे में पढ़ना है तो ये उतना हमारे लिए मददगार साबित नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? मैप को प्रेफर करते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये ग्लोब है, ग्लोब का मॉडल दिया हुआ है एंड दिस इज आवर वर्ल्ड मैप। इसको एक बार हम बाद में देखते हैं, पहले मैप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैप। अब मैप है क्या? व्हाट इज मैप? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है, मैप होता क्या है कि जब हम अर्थ के सरफेस को एक या फिर उसके किसी भी पार्ट को एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू अ स्केल, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैप। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड सरफेस कंप्लीटली। तो अर्थ हमारा राउंड है तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है एक राउंड जो सरफेस है उसको पूरी तरीके से फ्लैट करना। ठीक है, अब देखिए क्या है। मैप्स आर यूजफुल एज वन मैप शोज स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स व्हाइल अनदर मैप शोज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। ओके, तो मैप्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। देखिए जैसे कुछ मैप्स है उनके अंदर बहुत ही कम एरिया हमें देखने को मिलता है और बहुत से कम फैक्ट्स पता लगते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम किसी और मैप को रेफर करते हैं तो उसमें काफी फैक्ट्स हमको देखने को मिल जाते हैं और वो आप मान लीजिए एक बुक के बराबर होते हैं। When many maps are put together, we get an atlas. ठीक है, atlas I hope सभी के घर पास होती है। तो जब कई सारे maps को हम इकट्ठे कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा? Atlas. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scale. तो atlases के भी अलग अलग size होते हैं, measurements होते हैं और उनके भी अलग अलग scales होते हैं। Map provides more information than a globe. ठीक है बच्चों, मैप है वो हमें ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो एक ये देख लीजिए, ये पूरा हमारा वर्ल्ड का मैप है। अब अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो ये ऐसे नजर आएगा, इसको पूरा रोटेट करके हमें ढूंढना पड़ेगा, और अगर हम मैप पे देखेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है हमें कोई भी कंट्री या स्टेट को लोकेट करना। ओके, सो अब देखिए मैप्स की भी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शंस। ओके, सो आवर फर्स्ट मैप इज फिजिकल मैप्स। ओके, दे शो फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा एंड आर ऑल्सो नोन एज रिलीफ मैप्स। ठीक है, अब देखिए जो फिजिकल मैप्स होते हैं उनके अंदर में जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में पता लगता है, जैसे कि माउंटेन्स होंगे, प्लेट्यूज होंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं? रिलीफ फीचर्स भी बोलते हैं। तो इसलिए फिजिकल मैप्स को हम रिलीफ मैप्स के नाम से भी जानते हैं। देन हमारा जो सेकेंड मैप है वो है पोलिटिकल मैप। दे शो सिटीज, टाउन्स, villages and different countries and states of the world with their boundaries. तो political maps में क्या होता है कि इसमें हमको cities के बारे में, towns के बारे में, villages और बाकी की countries और states के बारे में, उनकी boundaries के बारे में भी पता लगता है। Okay? Then our third type of map on the basis of functions is thematic map. They focus on specific information such as roads, road maps, rainfall maps,
मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज रेनफॉल सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप। तो बच्चों कई बार आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप होता है या रेनफॉल का मैप होता है, फॉरेस्ट का, नेशनल पार्क्स का मैप होता है, जो जो मैप होता है वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप बोलते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो ये फिजिकल मैप है इंडिया का, इसके अंदर जो डेजर्ट वाला जो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट शो हो रहा है, इसके अंदर अरावली रेंज शो हो रहा है, तो ये सारे क्या फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल मैप, इसके अंदर बेसिकली हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको दिखाया गया है, ठीक है। देन दिस वन इज द थीमेटिक मैप, और ये एक टाइप का थीमेटिक मैप है जिसके अंदर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में दिखाया गया है। ओके, आई होप आपको तीनों मैप्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ओके, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आ जाता है वो होता है डिस्टेंस, ठीक है। मैप रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट द पेपर। अब देखिए कि हमारा वर्ल्ड जो है वो कितना बड़ा है, अर्थ कितना बड़ा है, लेकिन हम उसको कितना रिड्यूस कर देते कि वो एक पेपर पे फिट आ जाए, ठीक है। और मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, दिस रिडक्शन इज डन सो केयरफुली दैट डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब ये जो रिडक्शन होती है, क्योंकि हमको मैप को रिड्यूस स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना होता है, तो ये इतना केयरफुली किया जाता है कि जो प्लेसेस जो लोकेट की गई होती है वो एक्चुअल में रियल नजर आती है, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल व्हेन स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, सो फॉर दिस पर्पस स्केल इज चोजन। अब क्या होता है कि इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस को पेपर पे लोकेट करना तो इम्पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लार्ज डिस्टेंसेज होते हैं ग्राउंड पे जो लार्ज नजर आते हैं उनको स्केल जो हमारे रिड्यूस स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम स्मॉल डिस्टेंस करके पेपर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अब देखिए, अब ये स्केल है क्या, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, ठीक है। तो ये रेशियो होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस हमारा ग्राउंड पे है और किसका डिस्टेंस शोन ऑन द मैप का। इफ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द मैप, ठीक है। अगर आपको स्केल पता है ना, उस स्केल की क्या किस हिसाब से उसको लिया गया, क्या उसकी रेटिंग है, तो इजीली दो जगह के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो मैप पे। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू। तो अभी हमने स्केल के बारे में पढ़ा, तो स्केल के बेसिस पर भी हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला है स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। When the large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 centimeter ऑन द मैप शोज 5 kilometer ऑफ द ग्राउंड। देखिए बच्चों क्या होता है कि स्मॉल स्केल मैप्स में हम क्या करते हैं, जो बड़े बड़े एरियाज है, सपोज कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज है, उसको हम क्या करते हैं स्मॉल स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं। और सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर 5 centimeter का एरिया हमारा मैप पे है तो वो रिप्रेजेंट करेगा 500 kilometer ऑन द ग्राउंड, ठीक है बच्चों। एंड आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज लार्ज स्केल मैप। When a small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use large scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 meter only on the ground. ठीक है, जब जैसे लार्ज स्केल मैप में हम लोगों को क्या करना है कि जो सपोज आपका विलेज है, अब जिस जो आपका सिटी है उसको अगर हमने पेपर पे शो करना है तो हम लार्ज स्केल को प्रेफर करेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि 5 centimeter सिर्फ क्या किसके इक्वल होगा 500 meter के, रादर देन 500 kilometer जो हमने पढ़ा था स्मॉल स्केल मैप्स के अंदर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब क्या होता है कि जो लार्ज स्केल मैप्स है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं देन स्मॉल स्केल मैप्स। ओके, आपको जितना भी उस प्लेस के बारे में डिटेल में जानना है वो आपको लार्ज स्केल मैप से मिलेगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो दिस इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन मेक्सिको, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये है स्मॉल स्केल,
इसमें बहुत ज्यादा कम डिटेल आपको देखने को मिल रही है, और ये है लार्ज स्केल। इसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल इसके अंदर क्या क्या चीजें लोकेटेड है सिटी के अंदर, वो सारी आपको इसमें पता लग रही है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अ नेक्स्ट कंपोनेंट इज डायरेक्शन। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद लेटर एन एट दी अपर राइट हैंड कॉर्नर। तो जो ये सपोज ये हमारा पेपर है, इधर जो अपर राइट हैंड कॉर्नर है यहाँ पे एन और ऊपर एरो का निशान होता है, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये एरो क्या इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को, एंड इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लाइन। अब देखो, अगर हमें एक डायरेक्शन, अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता लग गया, तो हम बाकी की जो हमारी चार तीन अदर डायरेक्शन है उनको भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर यहाँ नॉर्थ है तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट साउथ होगा, और इधर हमारा होगा वेस्ट और इधर होगा ईस्ट। तो एक डायरेक्शन अगर हमें पता लग गई तो हम बाकी की डायरेक्शंस को भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चार मेजर डायरेक्शंस हमारी कौन सी हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, और इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। ओके, अब इन फोर मेजर डायरेक्शंस के साथ साथ आती हैं फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जो कि है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, चार कार्डिनल जो हमारे मेजर डायरेक्शंस तो हैं ही, लेकिन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की हेल्प से हम किसी भी प्लेस को बहुत ही एक्यूरेटली हम पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये देखिए हमने दे रखे हैं ये हमारे चार ये मेजर जो डायरेक्शंस हैं, और ये बाकी के जो ग्रीन में दे रखा है ये हमारे क्या है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है। तो आर नेक्स्ट कंपोनेंट इज सिंबल्स। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है कि किसी भी, सपोज अगर हमें माउंटेन हिमालयस को लोकेट करना, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा हिमालयस को ड्रॉ करना। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवेज लाइंस और वेल्स। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। ठीक है, कुछ कलर्स को यूज करके, लेटर्स को यूज करके, पिक्चर्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इन ये जो शेप है इनको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, These symbols give a lot of information. अब ये जो symbols होते हैं बहुत ही कम जगह में, limited space में हमें बहुत ज्यादा information देते हैं। ठीक है, With the use of these symbols, map can be easily drawn and are easy to read. ठीक है, हम लोग map को, इन symbols को use करके easily draw भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। Even if you don't know the language of an area, therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbol. अब क्या होता है, अगर suppose उस area में आप किसी को जानते भी नहीं हो, उस area की भाषा आपको नहीं पता है, तो मैप में जो सिंबल्स को आप देखकर आप काफी सारी इंफॉर्मेशन को पता लगा सकते हो। ठीक है, अब ये मैप है, मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। ठीक है, देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। अब देखिए क्या है कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह पे सिंबल्स चेंज हो जाए, तो मैप्स के जो सिंपल सिंबल्स होते हैं वो यूनिवर्सल तौर पे एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इनके रिगार्डिंग कि हमें किन किन सिंबल्स को यूज करना है, और इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, वेरियस कलर्स आर यूज, फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज यूज फॉर वाटर बॉडीज, ब्राउन फॉर माउंटेन्स, येलो फॉर प्लेटू, ग्रीन फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक हमारे कलर्स दे रखे हैं। अब ये सिंबल्स दे रखा है ये लैंड का, वाटर का, माउंटेन का, जो हम मैप में ड्रॉ कर सकते हैं और हमारे लिए बहुत इजी होगा स्टडी करना मैप को। ये मैप दे रखा है विलेज का, ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको यूज करके सिंबल्स दे रखा है, प्रॉपर डायरेक्शंस, ये रहा जिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे, नॉर्थ जो एरो लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्केच। अब देखिए बच्चों, क्या होता है कि सपोज आपको किसी दोस्त के घर जाना है, ठीक है, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आपका फ्रेंड क्या करेगा, आपको रफ ड्रॉइंग बना के दे देगा अपने घर की। ठीक है, तो वो जो रफ ड्रॉइंग होती है ना, वो किसी स्केल को यूज करके नहीं बनी होती। ठीक है, वो विदाउट स्केल बनाई जाती है, और उस टाइप की रफ ड्रॉइंग को हम क्या बोलते हैं, स्केच मैप बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ ड्रॉइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी
एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल, ठीक है, कि आपने आपकी मेमोरी में जो आपने इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है और जो भी उस टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया उस स्पॉट पे, उसको आप ड्रॉ करते हो. समटाइम्स अ रफ ड्रॉइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, ठीक है. सपोज अगर आपने भी कहीं जाना है, अगर आपने किसी को डायरेक्शन देना, तो आप उनको बताते हो कि हाँ आप इधर आ जाओ, उधर आपको सपोज एक बिल्डिंग मिलेगी, उससे लेफ्ट टर्न ले लेना. तो इस तरीके की जो जो रफ ड्रॉइंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं. ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है स्केच का. Our last topic of this chapter is plan. A plan is a drawing of a small area on a large scale. एक छोटे से एरिया का, सपोज अगर आपने घर का आपने प्लान बनाना है, तो वो एक छोटा एरिया होगा. एक कंट्री या स्टेट के कंपैरिजन में आपका घर तो बहुत ज्यादा छोटा होगा. उसको हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है. अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच we may sometimes want to know, for example the length breadth of a room which can't be shown in a map, at that time we can refer drawings to scale called a plan. dekhiye ab ye jo hamara plan hota hai isko hum specifically kya karte hain, scale pe banate hain. iske andar hum indicate karte hain length aur breadth ko. suppose aap kabhi bhi aapne naya ghar banwana hai to पहले उसका प्लान बनाओगे, उसमें इंडिकेट करोगे कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है. तो उस टाइप की जो ड्राइंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं. तो ये प्लान का एक देख लीजिए आप एग्जांपल. तो इसके साथ हमारा वीडियो खत्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. थैंक यू, मिलते हैं आने वाली वीडियोस में.